क्या आप सब भी मेरी तरह ऐसी प्लेन वॉल देख देख के परेशान हैं? आप कोई चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं और वो हाईलाइट ही नहीं हो पा रही है। गाइस फिकर की कोई बात नहीं, क्योंकि नैनो लीफ हमारे साथ है और यहाँ देखेंगे आप बहुत ही अमेजिंग सी एकदम ही जो हमारे कमरे की लुक है, वॉल की लुक है, वो यहाँ पे चेंज हो गई है। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नैनो लीफ। ये है लाइट पैनल्स और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि यार ये कैसे लगते हैं। और गाइज हमारे पास जो है दैट इज़ द ट्राइंगल वन, 9 पीस का सेट है हमारे पास। एंड इसके अंदर बहुत अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, लाइक इसमें आपको हेक्सागन मिल जाता है, इसमें आपको स्क्वायर मिल जाता है, इसमें आपको मिनी ट्राइंगल्स मिल जाते हैं, बड़े ट्राइंगल्स मिल जाते हैं, इसमें आपको पाइप वाले डिज़ाइन जो हैं वो मिल जाते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा डिज़ाइन जो है वो लगाना चाहते हैं। एंड इसमें सबसे मेन चीज़ पता क्या है, इसमें सबसे मेन चीज़ है आपकी इमेजिनेशन, कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि आप जितने भी डिज़ाइन हैं उन सबको कंबाइन करके कुछ भी फैंसी, कुछ भी अतरंगा, कुछ भी एकदम अनोखा सा बना सकते हैं इन लाइट्स के थ्रू। वैसे कुछ ऐसा सा बॉक्स जो है वो हमें यहाँ पे नैनो लीफ की तरफ से मिल जाता है, यहाँ पे नैनो लीफ की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे सामने जो भी आपकी शेप्स होंगी मोस्टली वो शेप जो है वो आपकी फ्रंट पे बनाई गई हुई होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका ये गूगल असिस्टेंट के साथ, एलेक्सा के साथ, एप्पल होम किट के साथ, सब के साथ, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं सबके साथ ये जो है ये वर्क कर जाता है। ये इसमें आपको 9 लाइट के पैनल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो बॉक्स को जब आप खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉक्स है वो खुल जाता है। एंड देन वी गेट सम लीफलेट्स जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे डिज़ाइन के पैटर्न्स जो हैं वो दिए गए हैं। सपोज़ आप 4 पैनल यूज़ कर रहे हैं, 7 पैनल यूज़ कर रहे हैं, 9 पैनल यूज़ कर रहे हैं या 15 पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनके दिए हुए डिज़ाइंस के हिसाब से कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमारे पास 9 पैनल वाला है बट मैं ऐसा सा कुछ भी नहीं बनाना चाहता था, मैंने एक अलग से डिज़ाइन कर रखा है क्योंकि आई नीड द डिज़ाइन टू बी स्ट्रेट, मैं बिल्कुल स्ट्रेट डिज़ाइन चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग डिज़ाइन करा हुआ। तो आप यहाँ से डिज़ाइन के पैटर्न ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ जाता है दैट इज़ द बुकलेट, लीफलेट जो भी आप इसको कहें। इसमें जिस तरीके से आपको लगाना है, कैसे करना है, बाकी उसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ, तो आप इसको पढ़ें ना पढ़ें यार मेरी वीडियो पूरी देख लेना, आप समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में करना कैसे। ओके नेक्स्ट वी हैव इज़ द ट्राइंगल। सो कितना बड़ा ये ट्राइंगल है वो आप देख सकते हैं, इवन मेरे हाथ से भी लंबा ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 9 इंचेस के आसपास ये ट्राइंगल की लेंथ होने वाली है, विच इज़ नाइस। एंड हमें इसमें 9 ट्राइंगल्स जो हैं वो मिलते हैं। ओके सो इतने सारे ट्राइंगल्स, 9 ट्राइंगल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। साइजेस तो यार बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस है अगर आप देखोगे, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड पे। ओके सो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेक्स्ट थिंग हमें जो मिल रहा है दैट इज़ द डबल टेप। सो यूजुअली क्या है, जो आपके ट्राइंगल्स हैं आप इसको 2 तरीके से अटैच कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है एंड यहाँ से आप इसको जो आपका वॉल है या लकड़ का पार्ट है उसको आप वहाँ पे स्क्रू करके आप उसको कुछ इस तरीके से वापस अटैच कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमारे पास ये जो डबल टेप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी एंड आप डबल टेप के थ्रू जो है इसको कहीं पे भी चिपका सकते हैं। स्पेशली वो या तो बिल्कुल ओपन ब्रिक्स जो होती हैं, वैसा प्लेन ब्रिक्स जो होती हैं वैसा नहीं होना चाहिए, एंड ऊबड़ खाबड़ जगह जो होती है, रफ जगह जो होती है वैसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम प्लेन होना चाहिए एंड पूरा क्लीन करके आपको इसको लगाना है। ये चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें। ओके सो ये हो गई हमारी डबल टेप और ये ऑलमोस्ट हमारे पास 10 पीस जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, इसको भी हम रख देते हैं यहाँ पे। ओके हमारे पास यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स हैं, सो वी हैव 10 कनेक्टर्स एज वेल। तो ये कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इनको भी रख देते हैं हम साइड पे। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो एक हमें वायर मिल रही है एंड यहाँ पे हमारे पास प्लग का ऑप्शन नहीं है, सो इसको डालना कैसे है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 2 प्लग्स के ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ इस तरीके से इसको स्लाइड कर देना है एंड देन आपका जो प्लग है वो रेडी हो जाता है। अगर आपको इस तरीके का प्लग चाहिए तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं तो मेरे को जिस तरीके का प्लग चाहिए वो है ऐसा 2 पिन वाला, सो वट आई विल यूज इज दिस वन। सो ये आपका हो गया प्लग रेडी एंड ये हम लगा देंगे ट्राइंगल पे और अपनी लाइट जो है वो जल जाएगी। ओके गाइस सो ये कुछ कंट्रोलर है जो कि आपको इसके साथ मिलता है एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे म्यूज़िक हो गया, शफल हो गया, प्लस माइनस हो गया, फॉरवर्ड हो गया एंड ऑन ऑफ का बटन है। तो इससे लाइट्स कैसे कंट्रोल होने वाली है वो हम सारी की सारी यहाँ पे देखने वाले हैं।
बाकी बॉक्स खाली है, बॉक्स में और कुछ भी जो है हमें नहीं मिल रहा है। ओके, सो लाइट्स को कनेक्ट कैसे करना है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, इसमें आपको मिलते हैं कनेक्टर्स। सो किसी भी एक कनेक्टर को, आपके पास बहुत सारे एंगल्स हैं, बेसिकली यहाँ पे 6 अलग अलग पोर्ट्स दे रखे हैं, तो आप किस तरीके से लाइट को लगाना चाहते हैं, जैसे सपोज आप लाइट को इस तरीके से लगाना चाहते हैं या आप लाइट को इस तरीके से लगाना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। सो जैसे सपोज हम इसको इस तरीके से लगाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रख के और यहाँ रख के इसको प्रेस कर देंगे और हमारी जो लाइट है वो रेडी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा टक इन, और ये आप देखोगे तो हमारी पूरी लाइट जो है वो अटैच हो गई, अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से आप अपनी जो लाइट्स हैं सारी की सारी, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी डिज़ाइन पैटर्न्स बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इन कनेक्टर्स एंड लाइट के थ्रू बना सकते हैं। सो एक तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सा जो डिज़ाइन है वो चल रहा है, जिसमें हम कुछ इस तरीके से जो हमारे ट्राइंगल्स है उसको यहाँ पर सेट करने वाले हैं। सो गाइस, नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा सा है जो मेरे दिमाग में है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड देन ट्राइंगल्स दोनों तरफ से बाहर निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है यार, एक बार ये देखो दोनों में से कौन सा बेटर लगेगा, अब एक बार डिस्कशन करते हैं देन फिर सेट करते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा जो पैनल है वो यहाँ पे लग गया है, एंड मैं अभी फ्रैंकली बोलूँ इसको जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो मेरा कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है फिर ये लाइट पूरी की पूरी वाइट लगती है, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको लो, सबसे लोएस्ट जो इसका क्या कह सकते हैं ब्राइटनेस है उस पर हमने रख रखा है, ताकि आप लोगों को जो कलर डिफरेंस है वो पता चल सके। इसमें काफ़ी सारे पीसेस हैं जो कि आप इस कंट्रोलर के थ्रू, जो यहाँ पे हमें कंट्रोलर दिया गया है उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें तो ये आप प्लस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। बट आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ब्राइटनेस चेंज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो ये कलर्स जो हैं वो सारे के सारे टोटली वाइट मोस्टली दिख रहे हैं, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको वापस कर देते हैं डाउन, ताकि हमारा जो कैमरा है वो प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाए। एंड वॉल को अगर आप देखेंगे तो एकदम ही हमारी जो वॉल की लुक है वो चेंज हो गई। बाकी यार कुछ ऐसा सा रूम है मेरा, दिस इज़ एक्चुअली द स्टूडियो गेमिंग रूम कह सकते हैं, यहाँ पे भी हमारी RGB लगी है, ये हमारा PC है, दिस इज़ ऑल्सो RGB, हमारे टेबल के नीचे भी RGB लगी है, हमारे डेस्क के बिल्कुल बैक साइड जो है उसके पीछे भी पूरी RGB लगी है। इवन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी जो फॉल सीलिंग है उसमें भी RGB लगी है, एंड यहाँ पे हमारा नियॉन लाइट का जो साइन है वो लगा हुआ है। बट ये जो लाइट है बिल्कुल ही अलग, मतलब इस लाइट को जब भी मैं देख रहा हूँ ना, तो वो है एक अलग ही कॉम्प्लीमेंट मेरे को इस लाइट को देने का मन कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, खास करके जब इसको हम ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं और जो उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, हम गेमिंग तक के साथ जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि गेम में जैसे गोली जल रही है तो ये ऑटोमेटिकली रेड ग्रीन ब्लू जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बोला, इसमें कुछ प्रीसेट्स हैं जो कि आपके यहाँ पे इसके थ्रू देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना शुरू कर देगा। एंड जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। इवन ये वॉइस कंट्रोल से भी चलता है, सो जैसे हमने इसको ये वॉइस एक्टिवेट कर दिया, तो ये अगर आप देखोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो हिल रहा है, ठीक है, अब मैं चुप हो जाऊँगा, स्टेबल हो गया, अब जैसे ही मैंने बोला तो वो वहाँ पे, ये देखो कैसे ये पूरा का पूरा हिल रहा है। उसके हिसाब से जो इसके कलर्स हैं वो सारे चेंज हैं, आप अपने हिसाब से पर पैनल का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि इसकी लुक को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड भाई अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, मैं मानता हूँ कि यह प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और जो फीचर्स, जो लुक, जो फील आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है ना भाई, वो फिर आपको 700,000, 1500, 2000 वाली LEDs जो है ना वो नहीं देने वाली सीरियसली। इस बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, और ये आपको दूसरों से यूनिक बनाता है, तभी भाई ये नैनो लीफ है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तिल दिन देख के बाद, बेस्ट, बाय बाय।